तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विशाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को मैं यही बोलूँगा, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, बहुत सारे ऐप हैं, रैपिडो, ऊबर, जोमेटो, स्विगी, मतलब बहुत ही सारे ऐप हैं जो हम बाइक के थ्रू काम करके अर्निंग कर सकते हैं। बट मैं आज का इन सब का जो बाप है ना, उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और वो एप्लीकेशन है शैडोफॉक्स। तो आप देख सकते हैं शैडोफॉक्स में क्या है। शैडोफॉक्स में बहुत अच्छी अर्निंग देता है। तो दोस्तों, शैडोफॉक्स में पहले क्या होता है, मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सब बताऊंगा कि इसमें कैसे डिलीवरी करते हैं, कैसे इसमें ऑर्डर बसता है अभी। और सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ से आईडी दिखेगी आपको, ये आपकी आईडी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी आईडी है 13 83 44 1, ये मेरी आईडी है, यहाँ पे आपकी आईडी दिखेगी, ठीक है गाइस। तो और ये जो मैंने स्लॉट बुक करा था, इसमें पहले काम करने से पहले गाइस स्लॉट बुक करना पड़ता है 12 से, मैंने कर रखा है 12 से 4 और 4 से 6, तो मैंने 6 घंटे का टोटल बुक कर रखा है इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें अभी ऑन करके बताऊंगा कि इसको ऑन कैसे करते हैं और इसमें क्या प्रोसेस है, ठीक है गाइस। इसमें आपको मैं बता दूं, अगर आपने जितना अर्निंग करा है वो इसमें दिखलाएगा। जैसे कि मैंने 2 दिन इसमें जॉब करा है, मैंने अभी इसमें काम किया है, शुरू करा है, तो इसमें 22 तारीख का तो दिखला दिया, यानी गैप गैप करके दिखलाता है। अगर आज हम काम करेंगे, 22 तारीख में काम करेंगे, तो वो 23 तारीख को दिखाएगा। यानी मैंने 21 तारीख को काम करा तो 22 तारीख को दिखा दिया, और मैंने कल 22 तारीख को काम करा तो 23 तारीख में दिखाएगा, मतलब गैप देके दिखलाएगा। अभी देखो 7 ऑर्डर दिखला रहा है, पर इसमें पे आउट नहीं दिखला रहा है। मैंने 23 तारीख को 7 ऑर्डर मारे थे, पे आउट अभी दिखलाएगा, शो करेगा जब मैं एक ऑर्डर मार दूंगा, ठीक है गाइस। तो और बाकी आप ये जो टी शर्ट के 300 रुपये कटते हैं, ये जो माइनस में दे रखे हैं, और बाकी कुछ फीस कटती है, मैं आपको दिखला देता हूँ। मेरा नेट स्लो है, ये देखिए गाइस, ये 300 रुपये टी शर्ट, ठीक है, और ये फीस जाती है, आप पढ़ सकते हैं, HL फर्स्ट ऑर्डर ऑन बोर्डिंग फी, ठीक है गाइस। और अब मैं अपनी आईडी करता हूँ ऑन, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं ले जाऊँगा, आपको शुरू से लेकर एंड तक दिखलाऊँगा कि इसमें क्या प्रोसेस है और कैसे आप आईडी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आईडी मैं अभी बता दूँ कैसे बना सकते हैं। साइकिल की आईडी बनानी है आपको, तो इसमें साइकिल की अब भी आईडी बनेगी, साइकिल में ही आपको पर ऑर्डर 25 रुपये से 30 रुपये मिलेगा, ठीक है। और जो बाइक की आईडी बनाएंगे गाइज, वो आपकी शिफ्ट के ऊपर है कि आप कौन सी शिफ्ट में कैसा काम करेंगे और कितने बजे का स्लॉट लेंगे। तो बाइक की स्टार्टिंग है 45 से 50 रुपये पर ऑर्डर, ठीक है गाइज। और मैं बता दूँ आपको, अब मैं ऑनलाइन करता हूँ, बाकी मैंने स्लॉट देखो आपको बुक कर रखे हैं, माई बुकेड स्लॉट, यानी 24 तारीख की, देखिए 12 से 4, 4 से 6, ये दिखला रहा है ना, 12 से 4, 4 से 6, ये मैंने स्लॉट बुक कर रखे हैं। मैं लेट हो गया हूँ, 12:08 हो गया, तो मेरे को जल्दी ऑनलाइन होना पड़ेगा। तो गाइज़, ये मैंने ऑनलाइन पे क्लिक करा, और यहाँ पे यस यस कर देना आप। यस करने के बाद आपको मास्क के साथ फ़ोटो लेनी है गाइज, ठीक है, मास्क ज़रूरी होना चाहिए, मास्क लगाना पड़ेगा पहले। तो दोस्तों, मेरी अभी न्यू ज्वाइनिंग है, तो मेरे को टी शर्ट नहीं मिली है, बाकी 2-3 दिन में टी शर्ट मिल जाती है। ये डन हो गया है, गो ऑनलाइन, ठीक है गाइस। तो यही प्रोसेसर है, मैंने आपको बता दिया कैसे बाइक से काम कर सकते हैं और कैसे साइकिल से, ठीक है। 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आपको मिलेगा ऑर्डर, तो मैंने ऑन कर दिया है। तो अब जब ऑर्डर बजेगा गाइस, तभी मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करूँगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं, बहुत देर के बाद, मतलब 1 घंटा हो गया है। क्या होता है ना, इसमें एक ऑर्डर आने के बाद ना कंटिन्यू ऑर्डर बजने लगते हैं, बट अब अच्छे से ऑर्डर बजेंगे। 1 घंटा मैंने वेट किया था, 1 घंटे बाद ही ऑर्डर आ रहा है, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट ऑर्डर करना है, रिजेक्ट इसमें नहीं करना होता गाइस, रिजेक्ट करोगे। और इसमें एक खासियत और अच्छी है, अगर आप 50 ऑर्डर एक हफ्ते में कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको 1000 रुपये का बोनस मिलेगा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इसमें, इंसेंटिव ही मान लो, और वो आप 2-3 दिन में ही कर दोगे 50 ऑर्डर, तो ठीक है। तो गाइज़, ये मेरे पे जो ऑर्डर आया है, ये आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी इसको जो ये स्वैप दिख रहा है, इसको अभी नहीं करेंगे, ये जहाँ हम ऑर्डर लेने जाएंगे। तो गाइज़, इसमें ना टाइम बहुत कम मिलता है, 38 मिनट का टाइम मिल रहा है, ठीक है। पहले यहाँ से ऑर्डर उठाएंगे, ठीक है गाइस। तो मैं आपको दिखलाऊंगा,
और ये जहाँ पे है कस्टमर नेम यहाँ आ जाएगा सौरभ बिट्टू, और ये उनको डिलीवरी करना है। ये इनकी लोकेशन जब ही आएगी जब ये वाला आप पैकेट उठा लोगे, यानी इनका जब ऑर्डर उठा लोगे तो यहाँ पे इनकी लोकेशन आ जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आ रहा है वैसे यहीं आ जाएगा। तो चलते हैं ऑर्डर उठाते हैं फिर दिखलाते हैं आपको। तो गाइस हम ये होटल पे पहुँच गए हैं, तो होटल पे आने के बाद इसको स्वाइप टू मार्क अराइव करना है, ठीक है। ये लोकेशन पे आके ही होगी जहाँ से आपको खाना पिक करना है, जो भी पिक करना है पार्सल वार्सल आपको अराइव करना है, ठीक है। और ये देखिए ये होने के बाद भैया 0969 ऑर्डर होगा। तो गाइस देखिए ये ऑर्डर हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसको रखेंगे बैग में, तो यही ऑर्डर होता है ऐसे ही छोटे मोटे वो पहुंचाने होते हैं। तो भाई मैंने ये कलेक्ट कर लिया है, तो अब मुझे यहाँ पे डालना है स्विप टू कलेक्ट, तो यहाँ से स्विप करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा मलाई चाप है और रुमाली रोटी है, यहाँ क्लिक करके ओके कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अब डिलीवरी उसकी कस्टमर की लोकेशन यहाँ पे शो हो गई है, तो इसको भी कस्टमर लोकेशन स्वैप कर देंगे, तो कस्टमर लोकेशन यहाँ से हम खोल लेंगे, ठीक है गाइज। अब ये कस्टमर की लोकेशन आ गई है, अब हम कस्टमर को देते हैं ये ऑर्डर जाके, ठीक है गाइज यही करना होता है इसमें। तो आगे चल के देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं डिलीवरी लोकेशन पे, ठीक है। तो यहां पे कस्टमर को आप कॉल भी कर सकते हो और उनका नंबर भी आता है जहां से आप ऑर्डर उठाते हो, ठीक है गाइस। तो मैं कस्टमर को कॉल करूंगा और उनसे पूछूंगा कहां पे है, ठीक है गाइस। उनके लोकेशन पे आके कॉल करना है, क्या है यहां पे एड्रेस कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं, तो हमें कॉल करना ही होता है, ज़रूरी है कंपलसरी, क्योंकि कई कई लोकेशन पे पहुँचने के बाद एड्रेस मिलता नहीं है, ठीक है गाइस। तो दोस्तों हमें एड्रेस मिल चुका है, कस्टमर ने हमें बुला लिया है, तो उनका ऑर्डर लेके जाते हैं ऊपर, थर्ड फ्लोर का है। इसमें बिल नहीं है। तो गाइस इनको इनका डिलीवर मैंने कर दिया था, तो इसमें एक ऑर्डर और बजने लगा मतलब। तो गाइस जो हमारा ऑर्डर था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, बट इसमें मेरे को एक ऑर्डर और बच गया है, तुरंत बच गया डिलीवर देने इसके बाद ही, ये तो डिलीवरी पे हम कर देंगे। तो गाइस एक हो गया, टिक मारना है, डन। तो गाइस हमारा तुरंत ऑर्डर बच गया था, तो इसको भी ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद। तो गाइस इनकी ऑर्डर आईडी भी आ गई है, जैसे 2583 2583। तो लोकेशन इनको ये पिज़्ज़ा वाले के पास जाके, होटल पे जाके इनको दिखलाना है, ये वाली आईडी होगी उनकी 5031 5031। तो हम यहाँ जाते हैं। तो गाइस इसमें यही है, एक ऑर्डर लेट आता है, पर एक ऑर्डर आने के बाद सही इसमें काम होता है और ऑर्डर बचते रहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये मत सोचना कि यार इसमें ऑर्डर लेट आ रहा है, ऐसा नहीं है, एक ऑर्डर के बाद इसमें कंटिन्यू ऑर्डर बचते हैं, कंटिन्यूसली आपको टाइम नहीं मिलेगा ऐसे ऑर्डर बचते हैं। और दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, अगर आपको साइकिल की आईडी बनानी है तो वो कुछ घंटों में एक्टिवेट हो जाएगी, अगर गाइस आपको बाइक की आईडी बनानी है तो इसमें लाइसेंस आरसी और आधार कार्ड पैन कार्ड कंपलसरी लगेगा, और आपको ऑफिस पास के ऑफिस में ज़रूर जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लौटेंगे नई नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए